हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो पे जो हमने सॉलिड वर्क्स में 2D स्केच करने सीखा था, तो आज हम सीट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट कमांड का यूज़ करके सीट मेटल डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मोस्टली हम थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं सीट मेटल का कि सीट मेटल में क्या डिज़ाइन किया जाता है। तो सीट मेटल में मोस्टली सीट लोहे के जो सीट से जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे स्टेबलाइजर हो गया, घर में जो फ्यूज़ लगता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जंक्शन बॉक्स लगता है, जंक्शन बॉक्स का कवर हो गया, वो सारे सीट से ही डिज़ाइन करते हुए होते हैं। तो उसे डिज़ाइन करने के लिए हम सीट मेटल का यूज़ करते हैं। तो चलिए उसका हम कुछ इमेज वगैरह दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, ये एक मेटल है। तो देखिए इसके इस मेटल में देखिए यहाँ पर इतने सारे होल है, यहाँ पर कुछ स्लॉट सा बना हुआ है। तो ये हम डिज़ाइन करते हैं सॉलिड वर्क्स पे, और फाइनली हमें जहाँ पर फोल्ड करना होता है, वहाँ से फोल्ड करके हम एक बॉक्स जैसा तैयार कर लेते हैं। तो ये तो पहले हम सॉलिड वर्क्स पे डिज़ाइन करते हैं, देन फिर क्या होता है कि प्लाज्मा कटर क्या होता है, उसके आउटर बॉडी पे टूल पाथ जनरेट करके उसको एक सीट, मतलब बड़ा सा सीट होता है, उससे काट के वो निकाल लेता है, और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है फिर बनने के बाद में। तो ये हम सीट मेटल पे डिज़ाइन करते हैं। तो ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है, यूज़र फ्रेंडली है। तो हम सीखेंगे सॉलिड वर्क्स पे यूज़ करने कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो पहले हम चलेंगे सीट मेटल पे। तो देखिए यहाँ पर सीट मेटल है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, सारे को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बेस फ्लेंज है। बेस फ्लेंज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी डिज़ाइन का जो बेस होता है वो हम पहले बनाएंगे। जैसे इसमें देखिए, ये इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए बेस फ्लेंज यहाँ पर लिखा है। तो ये हम पहले डिज़ाइन करेंगे, देन फिर उसके साइड वॉल होते हैं, उसको कॉर्नर पे चैम्फर वगैरह लगाना, फ्लेट लगाना, होल करना, वो सब सीखेंगे। फिर उसको फ्लैट होने के बाद वो कैसा दिखेगा वो हम सब बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं प्लेन सेलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन। पिछले बार जैसे मैंने बताया था, प्लेन सेलेक्ट करेंगे एंड उसके प्लेन के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाएंगे। देन फिर चलेंगे बेस फ्लेंज। जैसे ही बेस फ्लेंज पे क्लिक करेंगे, ये हमें कहाँ ले जाएगा, हम स्केच पे। तो हमें जो फ्लेंज चाहिए, जिस उसका जो डायमेंशन, मतलब जो रेक्टेंगल चाहिए या सर्कुलर चाहिए, वो अपने हिसाब से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते। तो हम रेक्टेंगुलर एक बेस फ्लेंज बनाएंगे। तो हमने कॉर्नर रेक्टेंगुलर लिया है, अपने हिसाब से हम कोई बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्मार्ट डायमेंशन में जाके उसका स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पे दे दीजिए। 7000 तो हमें नहीं चाहिए, हम लेते हैं 250 का, 250 by 120। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं आप, जैसे 120 आपने दिए, ये आपने बाय मिस्टेक दे दिया, फिर चेंज करना चाहते हो, तो इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। हम 150 दे देते हैं, हो गया। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर एक एरो दिया है, इसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या था? वापस हमें देखिए बेस फ्लेंज वाले मेन्यू पे ले आया। तो ये हमारा तो फ्लेंज क्रिएट हो गया, बट उस फ्लेंज की थिकनेस कितनी होगी वो हम यहाँ पे देंगे। तो थिकनेस अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। हम थिकनेस क्या करते हैं, 1 mm ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के फैक्टर लेते हैं, बेंडिंग अलाउंस जो हम मशीन डिज़ाइन पे पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। रिलीफ क्या होता है, रिलीफ अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलीफ यहाँ से देते हैं। रिलीफ क्या होता है, मोस्टली जब किसी भी चीज़ को हम बेंड करते हैं तो कॉर्नर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उस कॉर्नर कुछ हिस्सा को हम काट के निकाल देते हैं, तो उसी को बोला जाता है रिलीफ। तो रिलीफ के दो प्रकार होते हैं, कॉर्नर पे रेक्टेंगुलर, यानी कॉर्नर पे रेक्टेंगुलर कट लगेगा, और राउंड यानी राउंड लगेगा, टीयर यानी कोई कट नहीं लगेगा। अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, राउंड देते हैं और ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे, देखिए हमारा सीट, एक सीट जो होता है ये बनकर तैयार हो गया। ये हमारा सीट इतना जो हमने डायमेंशन लिया था 230 by 150 का डायमेंशन तैयार हो गया। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ पर जूम, यहाँ पर एक रोटेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो गया, ये तो हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब साइड पे हमें इस पर वॉल लगाना है, जैसे वॉल भी तो लगाना पड़ता है। बॉक्स कैसे बनता है, बॉक्स में साइड में वॉल होते हैं ना, तो अगर वो वॉल लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे एज फ्लेंज पे क्लिक करेंगे, और क्या करने, जो नीचे वाले जो, देखिए इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, और ये नीचे वाला जो एज है सीट का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये वॉल क्रिएट हो गया। अब आपको जिस डायरेक्शन पे चाहिए उस पर ड्रैग कर देंगे। तो हमें अपर डायरेक्शन पे चाहिए, हमने ड्रैग कर दिया। बाकी हाइट वगैरह आपको देने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका टेंशन आप ना लें।
तो देखिए यहाँ पर एंगल दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल, देखिए यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं आपको जो एंगल पे चाहिए, देखिए उतने एंगल पे वो होता जाएगा। हम क्या करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे लेंगे। अब उसकी हाइट, हाइट कितनी रखनी, तो कि यहाँ पर देखिए फ्लेंज लेंथ वहाँ पर दिया है, लेंथ यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो हम लेंथ कितना लेते हैं 50 लेते हैं, 50 लिए, 50 का हो गया। अब देखिए फ्लेंज पोजीशन, तो ये जो फ्लेंज पोजीशन कहाँ से लेगा, जो हमारा जो बेस फ्लेंज बनाए थे उसका जो एज था उसके अंदर से लेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है उसके बाहर से, या फिर कहाँ से आपको लेना वहाँ पर यहाँ से लेना। हम क्या करते हैं कि हमारा जो डायमेंशन हमने लिया था उसके अंदर से लेगा, उसके बाहर से लेंगे तो फिर हमारा डायमेंशन गड़बड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा डायमेंशन चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जो डायमेंशन लिया था उसके अंदर ही फोल्ड होगा, यहाँ पे तो ये फोल्ड हो गया, ये पे क्लिक करके और फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर फिर बेंडिंग अलाउंस देना चाहते हैं तो बेस एकदम रिलीफ दे देंगे, रिलीफ तो ओबराउंड जो हमने दिया था वही उसी को रखेंगे। ये तो हमने एक एक तरफ लगाया, ठीक है, अब दूसरे तरफ लगाना, तो फिर क्या करें, दूसरे वाले में क्लिक करेंगे और जस्ट ऊपर की ओर सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए खुद जो जो हाइट का हमने सेलेक्ट किया था उतना आ गया। अब उधर वाले वॉल पे लाना है तो उसके लिए हम क्या करें, पहले थोड़ा उसको यहाँ से जूम से क्लिक कर रोटेट करके उसको व्यू को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे और जूम इन करके इसके नीचे वाले एज को क्लिक करके ऊपर ड्रैग करेंगे, इसमें भी ऊपर ड्रैग करें तो देखिए इसका जो हाइट जो हमने शुरू पहले वाले में दिया था उतनी ही हाइट का बनेगा। अब हाइट आप चेंज नहीं कर सकते, आप एक बार हाइट देंगे जितना देंगे उतना बनेगा। यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा पूरा बॉक्स बन गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा परफेक्ट हमें जैसा बॉक्स चाहिए था वैसा बॉक्स बन गया। अब आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे ये गैप क्यों है, तो देखिए जब हम किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो उसमें गैप जीरो कभी नहीं होता, वो कुछ ना कुछ गैप रहता है, तो इसे हम वेल्डिंग करके इस गैप को हम फिलअप करते हैं। तो ये देखिए बॉक्स बन गया, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, सिंपल सा है, बहुत इजी। अब ये तो हम दो दो कमांड सीखा, बेस फ्लेंज, एज फ्लेंज, माइटर फ्लेंज, हेमिंग, जॉग, स्केच, ये सब जो है हम नेक्स्ट वाले ये क्या नाम है वीडियो में सीखेंगे। हम क्या कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे एक एक्सट्रूड कट है ना, इसको सीखते हैं। यानी हमें कुछ कट जैसे कुछ होल वगैरह हो गया, कुछ नट के लिए होल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे वो हम पहले सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए इस जो फेस पे है उस पर हम क्या करना है, एक छोटा सा एक सर्कुलर होल या फिर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट जैसा बनाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जिस सरफेस पे या जिस फेस पे हमें बनाना है उस फेस को सिलेक्ट करना है, जिससे सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे वो फेस सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना हमें, सॉरी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल का ऑप्शन लगा, नॉर्मल क्लिक करेंगे देखिए जिस जो फेस हमने सिलेक्ट किया था उसके फेस पे ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना, जो आपको बनाना है मतलब जैसा आपको चाहिए स्लॉट वो आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना, एक्सट्रूड कट पे क्लिक करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और देखिए हमें स्केच पे ले गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट स्लॉट है, टू पॉइंट स्लॉट, स्लॉट यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये स्लॉट बन गया, इसको क्लिक करेंगे। आप इसका अपना डायमेंशन देना चाहते हैं तो स्मार्ट डायमेंशन से दे सकते हैं, ओके करेंगे और यहाँ से फिर एक बार ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे देखिए ये एक्सट्रूड कट का यहाँ पे ये लग गया और यहाँ से ओके कर देंगे, तो देखिए ये कट लग गया यहाँ पे। देखो जब हम रोटेट करके देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ जूम से रोटेट तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ कुछ स्केच जैसा दिख रहा है। तो आप क्या करें, स्केच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन, सॉरी हाँ देखिए देख सकते हैं ये पूरा ऐसा कट लग गया है। अभी आपको इसका फ्लैट पार्ट देख रहे हैं, यानी जब सीट से हम कितना मेटल काटेंगे तब जाके ये हमारा डब्बा बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अनफोल्ड का,
अनफोल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा फिक्स फेस, और तो पहले फिक्स फेस यानी हमारा फेस कौन सा फिक्स है, तो हम इसे क्लिक करते हैं और कलेक्ट ऑल बेंड्स एंड देन ओके कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा खुल गया पूरा, देखिए यहाँ पर कहाँ पर आपका बेंड होगा पूरा एकदम लाइनिंग के साथ है, आपको जस्ट इसका डायमेंशन लेना है एंड क्या करना है, जो हमारे जो लोहे की जो सीट आती है उसमें से प्लाज्मा कटर के थ्रू मतलब इसका इतने डायमेंशन का पार्ट को काट के निकाल लेना, तो आपका क्या होता है इसे जो बॉक्स हमने डिज़ाइन किया वो आपका बन जाएगा। ये सारे स्लॉट वगैरह सारे प्लाज्मा कटर पे कट हो जाते हैं, उसकी भी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे ज़रूर, जिसमें हम प्लाज्मा कटर का टूल पाथ कैसे जनरेट करते हैं ऑटो कैड। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ड्राइंग को एनालाइज करके एक ऑटो कैड में इसका टूल पाथ बनाना पड़ेगा, फिर उसको प्लाज्मा कटिंग मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है हाइपरमेस प्रो ई प्रोनेस्ट, तो उसके थ्रू उसका प्रोग्रामिंग बनाया जाता है। तो फिर क्या करता है वो आपका जस्ट इसके डायमेंशन के अनुसार वो सीट आपका काट के निकाल देगा, फिर सीएनसी प्रेस मशीन से इसको जहाँ पे आपको फोल्ड चाहिए जितने एंगल पे वो फोल्ड कर देगा, तो आपका ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सॉलिड वर्क सीट मेटल का काम करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटर फ्लेंज हेम जॉग और बहुत सारे कमांड है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। थैंक यू।